ये इसके लिए बताया था मैंने कि ये दाढ़ी और सर के बाल जो नहीं काट रहा है ना, इसके एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा है, ये हवन भी करो, ये पूजा करो, और ये दाढ़ी जो है ये गुरु से लेते हैं हम। वैसे तो खबर दे दी आपने कि इसको किसी के बाल गुरु ने कहा हुआ है। नहीं, गुरु सितारा है जी इसके बहुत इनका मैं आज आपको और ये मकबूल जान साहब इनका जो मेन एस्ट्रोलॉजर है ना वो इनके फाउंडर मेंबर्स में से एक आदमी है, उसका नाम है मुरली मनोहर जोशी जो एस्ट्रोलॉजी का इनका सारा पूरा मंडप चलाता है। तो ये कहा है कि तुम पर इसके और इंडिया पर गुरु की और ये सैटर्न की शनि की जो यूटी है इसका बुरा इफेक्ट ना है, इसलिए तुम नंबर वन हो और तुम कालकी के अवतार हो और तुमने अखंडता भारत को खुदा ना करे अल्लाह ना करे पूरा करना है, तो तुम ये दाढ़ी के बाल और ये सर के बाल ना काटो जैसे एक होते ना ऋषि मणि। दो महीने पहले शशि थरूर ने कहा कि दिन पर दिन पीएम मोदी की दाढ़ी मूछ बढ़ती जा रही है, वो ऐसा करके दिखाना चाहते हैं कि वो नए भारत के ऋषिराज है। पीएम एक ऋषिराज की भूमिका में खुद को प्रदर्शित करना चाहते है जो भगवा वस्त्र पहने हुए है। शशि थरूर ने कहा कि ऋषिराज वाली छवि दिखाने के पीछे कारण यह है कि वो खुद को एक पवित्र व्यक्ति के रूप में दिखा सके जो एक राजा भी है। पीएम मोदी चाहते हैं कि लोग उन्हें एक ऐसे ऋषि के रूप में जाने जो एक योद्धा भी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में फैंस पीएम मोदी के लुक्स की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी जी के नए लुक की चर्चा हो रही है।